कृषि दर्शन देखिए जम्मो किसान भाई बहनी मन ला राम राम। संगवारी हो, हमर छत्तीसगढ़ के किसान 12 महीना मेहनत करते, माटी से माटी मिलके कमाते, अपन पसीना उगराते, तब कहीं जाके धरती माता सोना जैसे दाना उगलते। संगवारी हो, आधुनिकता के जमाना है, नया टेक्नोलॉजी के जमाना है और खेती ला आधुनिक ढंग ले करे ले ज़्यादा पैदावार के उत्पादन होते। संगवारी हो, आज हम चर्चा करबो चना के उन्नत खेती सीड ड्रिल से कैसे करें। संगवारी हो, हमारे किसान भाई मन पहली रवि के मौसम में जब चना बोएं तो छिटका विधि बो दें और छिटका विधि में कई ठन बीजा जामें कई ठन नहीं जामें, लेकिन आज नया तकनीकी के जमाना है, ट्रैक्टर के माध्यम से सीड ड्रिल और नांगर के माध्यम से ओनारी करे जाते। तो सीड ड्रिल में हर दाना जामते और बहुत बढ़िया ढंग से कतार बोनी होते, चना के एक आधुनिक और नया तकनीकी ले खेती करे से ज़्यादा आमदनी मिलते। संगवारी, हम चर्चा लाते करबे करबो, लेकिन एकर पहली आवाओ हमारे किसान भाई देखा है नए तकनीकी के बाद, नए आधुनिकता के बाद एक संदेश। शासन के एक बहुत अच्छा योजना आया है सोलर पंप का। सोलर पंप योजना में 3 हॉर्स पावर तक के मोटर यदि किसान लगाता है तो 12 से 15 हज़ार रुपये लगेगा उसमें किसान को देना पड़ता है, और यदि 5 हॉर्स पावर का मोटर है तो 18 हज़ार रुपये तक का ये लागत आएगा किसान को। इनके लिए ये शर्त रखा गया है कि एक तो आपके पास जो बोर है उसमें पर्याप्त पानी होना चाहिए, दूसरा उस बोर की दूरी 300 मीटर अनिवार्य कर दिया गया है। 300 मीटर के दूरी पे यदि अन्य बोर होगा तो न सोलर पंप लगेगा न दूसरा पंप लग पाएगा, क्योंकि पानी का लेवल नीचे जा रहा है इसलिए 300 मीटर दूरी को बाध्यता किया गया है। और जहाँ पे विद्युत नहीं है वहाँ किसान आराम से ये सोलर पंप लगाए, और इस वर्ष हमारे बहुत से किसान लगाए हैं और उनका उपयोग कर रहे हैं। संगवारी हो, भाई अरुण निर्मल कर गए खेत कोती और किसान भाई से चना की खेती के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेवा थे। हमारे छत्तीसगढ़ में रवि के मौसम में बहुत बड़े रकबा में चना की खेती करे जाते और चना के सर्वाधिक उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में करे जाते। छत्तीसगढ़ के ऐसे कुछ जिला है जिला चना के नाम से भी जाने जाते। तो संगवारी हो, चना के सीड ड्रिल से खेती कैसे करना, उनारी कैसे करना, खाद कैसे देना, पानी कैसे देना, वैसे रवि के मौसम में जहाँ पानी की प्रबंध नहीं है वहाँ भी चना हो जाते, लेकिन पानी अगर पलो दे जाए तो चना के उत्पादन में थोड़ा बढ़ाव आ जाते। तो संगवारी हो, हमारे भाई अरुण निर्मल कर पूछा थे विस्तार पूर्वक किसान भाई से, विशेषज्ञ से, तो आवा ये हम जानन। संगवारी हो, देखा हो खेती किसानी के बूता के बाद बता था छत्तीसगढ़ में परंपरा के रूप से खेती किसानी चला थे, लेकिन समय बदल गए संगवारी हो, मशीनीकरण के जमाना आ गए है। वैसने अब देखो धान के बाद हमन है ओन्हारी लगाथन, चना लगाथन, मसूर लगाथन, लेकिन सीड ड्रिल मशीन से चना के भी उन्नत तरीका से बुआई हुआ थे ओकर से भी आप मन फायदा ले सकत हो। तो आज हमन चर्चा के विषय ही रखें संगवारी हो कि सीड ड्रिल से चना के खेती कैसे करे जाए, और यही जानकारी लेबर हमन आज पहुँचे हैं गांव बटंग पाटन ब्लॉक दुर्ग जिला में। यहाँ पहुँचते गांव पढ़ते संगवारी हो, यहाँ मन पहुँचे हैं और यहाँ हमारे एक जन मयारू संगवारी है विनोद कुमार वर्मा जी, ये 12 महीना खेती किसानी करते और वो है सीड ड्रिल से चना के खेती करे बर तैयारी करत है, ओकर से गोट बात करथन कि वो कैसे कैसे कर से फायदा ली देला। विनोद भैया राम राम। जय राम भैया। विनोद भैया बताते हो आप मन है कि जिसे पहली किसान मन है आप मन भी लेवत रहे हो छिटका बो के चना खेती करत रहे हो, अब सीड ड्रिल मशीन से बोए के तैयारी करत हो, तो ये कैसे मन में बात है इसकी, अब छिटका नहीं बोवा भैया अब मशीन आ गए है तो मशीन के उपयोग करके मैं लाभ ले सकत हूँ, कि मन में कैसे विचार है, काय कर से फायदा आप लम हो सकत है। हमन पहली भी चना खेती करत रहे, एक बार मैं यहाँ खैरागढ़ को गए रहे हूँ
तो वहाँ किसान मन के चैनल देखे माड़ी भर भर रही से वह तो पूछे उतर के कि हमन बोथन त नहीं बाढ़ है तुम्हार काय सेती बाढ़ेगी के तो लाइन में भी लगे रही से तो मैं पूछे तो वो मन बताई से कि हमन हाँ सीट ड्रिल से बोथन कुड़ी नांगर से की के तो बिहान साल महू ले वोला और वो बाद महू करें तो एमा तीन चीज के बचत है भैया। एक तो समय के बचत होते, लेबर कम लगते, एक जन चितैया रखे लगा तेकर बचत है, ड्राइवर अकेला भरते खातू बीजा ला गाड़ी में चलाते। दूसरी बात है बीजा के बीचा, पहली छिटका बोन तो 40 किलो 45 किलो लग जाए एकड़ पीछे, अब एमा 30 किलो में हो जाते, 30-32 किलो है काफी रही थे। दूसरा खातू है, पहली बीजा ये मेरे खातू मेरे पड़े है ऐसे हो तब उतका नहीं मिल पाते पोषक तत्व है चना ला। अब एमा बीजा खातू के डिस्टेंस है बिल्कुल 5 सेंटीमीटर के आसपास रहते तो पेड़ की ग्रोथ अच्छा होते, तो एकर से प्रोडक्शन भी बढ़ते और पेड़ के बढ़वार अच्छा होते, फल फूल अच्छा आते। दूसरा पानी उनी पलायक बेरा रेंगे भर की के वो जो कूड़ के बीच में जगह रहते थे ना आदमी ला रेंगत बनते तो वहाँ रौंदाए नहीं, ये टूट फूट है पौधा टूट फूट नहीं हुआ, तो ये तरीका से बहुत फायदा है कूड़ी करे से। कूड़ी बोए से मतलब वाला कूड़ी बोए का थे सीड ड्रिल मशीन से बोना है तेला, एक से फायदा आप मन लेवा था, फायदा बहुत सारा बताया है 2-3 टन है नी। अच्छा ये बताते हो जिसे अब एकर बार जमीन के तैयारी भी कैसे करल पड़त हो, पहली जिसे करत रहे हो वैसने करता हो कि अब इमें कुछ बदलाव भी करल पड़त हो। पहली सियान मन कहा है कि ढेला में चना होते की के, तो पहली हमारे नांगर में 2 बार जोत दन ट्रैक्टर में और चना छीत दन ऊपर से कोपर घुमा दन। अब सीड ड्रिल में ढेला में सीड ड्रिल नहीं चला था, पहली मोल्ड बोल्ड प्लाउ की थे 2 नासिया तेमा 1 बार जोतथन, ओकर बाद 9 नास के नांगर में 2 बार जोतथन भैया, तेकर बाद रोटावेटर है जेन हाँ ढेलल फोड़ते तो वो खेत बराबर भी हो जाते, तो रोटावेटर 1 बार चलाए के बाद ही सीड ड्रिल चलते। अगर ढेला बड़े रही तो सीड ड्रिल हाँ बराबर नहीं चल पाए तो बीजा हाँ लाइन से नहीं गिरे भैया, वो उछल उछल के गिरी कोनों में गिरी कोनों में नहीं गिरे, तो ओकर वजह से चारों कामला करे लगते प्लाउ, 2 बार नांगर जोतई 1 बार रोटावेटर तेकर बाद चलते सीड ड्रिल। तो ये कहान कुल मिला के विनोद भैया कि 4 पैत हम लोग खेत ला जोतेल पड़ी अच्छा भुरभुरा हो जाए माटी एकदम बढ़िया बराबर हो जाए है नी। अच्छा अब बात बताते कि वही में तो सीधा बोआवत है तो खाद के व्यवस्था जिसे विशेषज्ञ मन बताते कि शुरू में तो देबेच करे बीजा बोए के समय बाद के व्यवस्था ला कैसे करते है। वैसे चना के पौधा में भैया नाइट्रोजन ग्रंथि खुद बनते तो नाइट्रोजन का आवश्यकता नहीं रहा है, और बेसल डोज में हम ना DAP देथन तो फास्फेट की पूर्ति हो जाते, अगर आवश्यकता है तो 1 पानी जब पलाथन तो वक्त पोटास ला छिड़क देथन, कोई भी बेंटोनाइट सल्फर आते तेकर साथ या कोई भी सल्फर बेस खातू आते मार्केट में मिलते तेला, और 1 बार जब दवाई डालथन तो ओकर साथ घोला DAP आते वाला मतलब ड्रिप में चलते वहाँ 19-19-19 की काते वाला, तो वोला हम हाँ एकड़ पीछे 1 किलो घोल देथन ड्रम में दवाई के साथ और दवाई के साथ वो चल जाते, तो उतका ज़्यादा खातू का आवश्यकता नहीं, बो एक बेरा जिन लग गए तेन लग गए, बाद में किसान अगर डालना चाहे तो, नहीं तो वैसे भी ओकर बढ़वा रहा। और दूसरा धान के बाद करथन तो जो धान में दे रही थन खातू तेकर उपयोग चना कर लेते हाँ काम आ जाते, तो उतने ज्यादा खातू की आवश्यकता नहीं है एमा। तो विनोद भैया हमारे से गोड़ बात करे हो, किसान मतलब बताए हो कि सीड ड्रिल मशीन से चना के बुआई करे जाए और कैसे फायदा ले जाए तेकर बारे में, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, जय जोहार। मेरे साथ बोलो ए, ए, बी, बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है, अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36% से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम लहराया।
सहकारिता है अपने विकास की पहचान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरूप फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। संदेश के बाद अब फिर चलन खेत को थी। अरुण निर्मल कर भाई हरगे खेत में किसान ला फुरिया फुरिया पूछा थे कि चनल कैसे बोआ था, के बेर जोताई करे लगते, ओकर ढेला कैसे रहना चाहिए, भुरभुरा कैसे करना चाहिए। चना के जब सीड ड्रिल से खेती करे जाते तो खाद नीचे जाते और बीज है ऊपर रहते। जब बीज अंकुरित होते ना संगवारी हो, तो सीधा सीधा ओकर जड़ है खाद में सीधा जाके संपर्क होते। तेकर खेती सीड ड्रिल से चना की खेती करे में ज़्यादा लाभ है और 100% चना के जो बीज है वो अंकुरित होते। तो संगवारी हो, आप मन ये बात ला धरियाओ और विस्तार पूर्वक हमर भाई अरुण निर्मल कर पूछा थे वो बात ला धरियाओ, विशेषज्ञ मन से भी जानकारी लेवा थे। संगवारी हो, आवाओ इला देखन। तो संगवारी हो, हमन चर्चा करत रहें सीड ड्रिल से चना के खेती के तैयारी कैसे करे जाए, सीड ड्रिल से बोना है चना तो कैसे ओकर उन्नत किस्म से तैयारी करके खेती करे जाए। हमर तीर अभी कृषि विशेषज्ञ है संगवारी हो, पाटन ब्लॉक के प्रमुख कृषि विस्तार एल डहरवार जी, ओकर से चर्चा करबो कि उन्नत तरीका से चना के खेती करना है तो कैसे करे जाए, किसान मन कतका जागरूक होवत है ओकर से गोट बात करथन। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे कि छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से पहली धान है, ओन्हारी है, चना है, तिंवरा है, सबके खेती पहली करबेज करे किसान मन, अब का हो गए है कि किसम किसम के फसल लेके शुरू कर दे हवे, तो आप मन के नज़र में पहली के अपेक्षा अभी किसान मन है चना के खेती कोती कुछ लौटे है कि परंपरा के रूप में चले आते है कि कुछ कमती आ गए है, और कमती आ गए तो काबर कमती आ, ऐसे कुछ जानकारी आप बता सकत। खेत तैयारी में हम मोड़ मोड़ प्लाऊ से पूरा गहरी जुताई कर लेते हैं, इसके बाद रोटावेटर से उसको भुरभुरी बनाकर बाद में सीड्रिल से उसकी सोइंग किया जाता है ना, और सोइंग में करीब 35 किलो पर एकड़ बीज लगता है चना का, और साथ ही साथ फर्टिलाइजर भी उपयोग करते हैं। और जब लाइन सोइंग से करना है तो लाइन सोइंग में उत्पादन भी करीब डबल के आसपास उत्पादन होता है चना का। किसान छोड़े नहीं है कि अभी चना को, क्योंकि उत्पादन भी साथ साथ ज़्यादा मिलता है और उससे साथ कैश क्रॉप में है, पैसा भी तुरंत मिलते हैं, नगद, हाँ नगद मिलता है, इसलिए इसे खेती करना उचित है। डहरवार जी, जिसे आप बताते हो कि किसान है बंद नहीं करे है चना खेती करत है, लेकिन मन में एक ठन मोर बात आवत है बंद नहीं करे, अच्छा बात है, पहली कार है छिटका बोआ है। अब हम अनाज जो चर्चा करत हैं सीड ड्रिल से बोआई चना के खेती, जिसे धान के भी किसान मन करत है सीड ड्रिल से बोए के, तो में मजदूर भी कम लागते, खर्चा भी कम लागते, तो ये कतेक फायदा के बात है, मशीनीकरण जब हो गए है तो ओकर उपयोग करके हमन खेती से लाभ ले सकत हैं चना खेती से। जी जी, क्योंकि इसमें खाद और बीज एक साथ डाल रहे हैं उसमें, तो अलग से लेबर लगाने की जरूरत भी नहीं है। दूसरी बात, लाइन स्विंग किए हैं तो लाइन स्विंग में
जो एक पौधा से दूसरे पौधा की जो दूरी है जी। वो मेंटेन है, है ना। साथ साथ उसमें सूर्य का प्रकाश मिलना है, उसको अच्छा ये फल फूल जो लगने हैं वो भी अच्छे ज़्यादा लगेंगे, इसलिए लाइन स्विंग करना ठीक है। हाँ, पानी देने के लिए भी अपने को जो जैसे देते हैं तो लाइन स्विंग में पानी देना ज़रा बहुत अच्छा है मतलब। और वो छिटका विधि में थोड़ा सा पानी वो फैलाव विधि से देते हैं पानी, तो उसमें उतना अच्छा नहीं है, ज़्यादा पानी लगता है, इसमें कम अपने हिसाब से जी। तो ये कहान कि मशीनीकरण आय से पानी के भी कमती है, मजदूर के खर्चा कमती है, बीजा के भी कमती लागती से कहा था। अब एक ठन और बात आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, आर्थिक रूप से जिसे हमन खर्चा के बात करन, तो मशीन लग गए तो किसान में जिसे आज कार्यक्रम में देखा ते मन सोचत हो ही कि चर्चा करा था भाई कमती लागत है कहा थे, लेकिन मशीन के भी तो किराया हमने दे पड़ा था, तो हम खर्चा तो एकर कुछ योजना है का, कैसे योजना है? अपने यहाँ सीड ड्रिल में भी छूट है गवर्नमेंट की तरफ से 50% करीब। तो आजकल मैं जैसा देखा हूँ अभी जो सीड ड्रिल ड्राइवर लोग उसको एडजस्ट कर नहीं पाते, तो अभी टाटा कंपनी वाला एक अच्छा सीड ड्रिल लॉन्च किया है जिसमें सिर्फ वो जाली भर बदलना है, जैसे चना का जाली लगा दिए, चना बोना है तो फिर जाली निकाल के जैसे धान बोना है धान का जाली लगा दिए, या उसको बदलना दूसरी फसल लेना है तो उसका जाली आ गए हैं, तो वो सीड ड्रिल मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा लगा मतलब। तो इस ढंग से खेती किया कर सकते हैं। तो ये कहा डहरवाल जी, किसान मन है जागरूक होवा और मशीनीकरण लो उपयोग करके ओकर ज्यादा ज्यादा लाभ सकते हैं। तो सर बहुत अच्छा लगी साहब हमारे गोट बात करे, नमस्कार। नमस्कार संगवारी हो, हमर तीर कृषि विस्तार अधिकारी पाटन ब्लॉक क्षेत्र के रोशन शर्मा जी उपस्थित है, ओकरो से गोट बात करबो कि अभी के समय में पहली के समय में किसान मन कतेक अंतर महसूस करत है चना के खेती पर, और चना के खेती सीड ड्रिल से बोना है तो कतेक फायदा के बात हो सकत है, बाचे बात ला एकर से करत हैं। रोशन भाई राम राम। राम राम भैया, सब बने बने हैं भैया? सब बढ़िया। बड़े मने रिबे तो बढ़िया, गोद बात करे बर हूँ आगे हैं। अच्छा, जिसे मैं पूछना चाहूँ आपसे भी कि सीड ड्रिल से अब चना के भी खेती कर सकते कि के विशेषज्ञ मन बतावत हो आप मन है, तो जमीन के तैयारी जिसे करना है सीड ड्रिल से बोना है, मशीन से हमें बोवाई करना है, तो एक जमीन के तैयारी कैसे होना चाहिए पहले बता दें। जमीन के तैयारी करे पर जिसे हमारे यहाँ पाटन माँ अमन क्षेत्र में धान के क्षेत्र बहुत अधिक है, और हमन धान काटे के बाद चना के लगाए के तैयारी करथन, तो सबसे पहले हमन ला दुनसिया नागर की थे मोट बोर प्लाऊ, ओकर से हमन ला खेत के अच्छे से जुताई करना चाहिए, गहरी जुताई करना चाहिए, ओकर पश्चात कम से कम एक बार रोटावेटर चलाए से जिन मिट्टी के ढेला है ओला छोटे छोटे करे बर, मिट्टी के ढेला छोटे छोटे करे बर रोटावेटर चलाना चाहिए ताकि मिट्टी भुरभुरी बन सके, और अवैया समय में जिन हमन चना लगाई ओकर जड़ है ज़्यादा गहरा से गहरा जमीन तक जा सके। अच्छा, एकर संग में हमन ला मुख्य ध्यान ये रखना चाहिए काबर की चना में उगटा के समस्या बहुत आते, तो एक जैविक उगटा के जिन जीवाणु रहते ओकर नाशक हमारे यहाँ उपलब्ध है जेला हमन ट्राइकोडर्मा के थन, तो ट्राइकोडर्मा के कम से कम 4 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए, जेकर से अवैया समय में जिन सबसे अधिक संभावित बीमारी होते चना में उगटा के रोग ओमा हमन कमी ला सकन ओकर रोकथाम कर सकन। तो ये कहान कि जमीन के तैयारी के समय हमन जो उगटा रोग लगैया है ओकर पहली उपचार हमन जमीन के तैयारी के समय कर सकत हन, रोटावेटर चलाए के समय। अब ये बात हो गए जमीन के तैयारी के, अब सीड ड्रिल से बोना है जमीन के तैयारी के बाद बात आते कि बोए के तरीका मशीन से अब हमला बोना है, तो वो कैसे बोत हुई, बीजलों में डालना है कि पहले बीजोपचार भी करेल पड़त हो, ऐसे कुछ बात नहीं रहेगा? बीजोपचार देखो जिसे छोटे लीका होते तो ओला टीकाकरण जरूरी होते, इसने बीजों के बीज के बीजोपचार बहुत आवश्यक है, जब तक बीज उपचारित नहीं रही वो सुरक्षित नहीं रही तब तक हम अवैया फसल सुरक्षित रही एकर संभावना कम लगा सकत हन। एकर बार हमन जिन है 2.5 ग्राम बविस्टिन या फिर ट्राइकोडर्मा प्रति केजी के हिसाब से उपयोग कर सकत हन ओला बीज लौकर से उपचारित करके, और ओला हमन बोए बर उपयोग करी, और जब हमन सीड ड्रिल से एकर बोनी करथन जब खेत में, तो सीड ड्रिल में 2 खांचा बने होते, एक खांचा में जिन होते रासायनिक उर्वरक जिन डीएपी हमन उपयोग करथन, तो रासायनिक उर्वरक डीएपी के खांचा रहते और एक खांचा रहते बीज के, तो जब आप सीड ड्रिल से बोनी करते हो तो खाद और बीज दोनों एक संग एक के ऊपर एक गिरते, जेकर से फसल जब शिशु अवस्था में रहते तो तत्काल भोजन के व्यवस्था हो जाते, और ओखर से जन हमारे फसल काबर के हम बीज ल उपचारित करें तो वैसे भी सुरक्षित हो गए, और जब वो खेत में जाते और अंकुरित होते तत्काल ओकर भोजन के व्यवस्था होते, एकर से जन है पौधा पुष्ट और अच्छा होते, जेकर से हमला अवैया समय में अच्छा फसल मिलते।
तो ये कहाँ सीड ड्रिल के तरीका से अपन बुआई करत हन चना के, तो संगे संग खाद भी और ओला पोषक तत्व तो तुरंत मिल जाते, और बीजोपचार अगर करे किसान मन तो और ज़्यादा अच्छा फायदा की बात बतात हो। अब बात आते भैया, जिसे चना है कार की दलहन फसल है, तो में पानी के मात्रा जिसे पहली किसान मन छिटका पद्धति से बोए, मशीनीकरण से हम बुआई करथन, तब पानी के प्रबंधन हमन करना है तो बचत भी होवत है कि ज़्यादा पानी लाग सकत है। अभी जिसे हमन वर्तमान परिस्थिति में देखते हैं कि छिटका के जगह हमन जिन है सीड ड्रिल से बोनी करते हैं। पहली छिटका बोनी करन तो हमन पहटा पानी देते हैं, जिन हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं पहटा पानी पलोना, एक जगह पानी छोड़ देना, वो पानी पूरा खेत भर बगरत रहे, तो एक जगह पूरा चिखला हो जाए, एक जगह पानी ना पहुँचाए, तब ओखर अपेक्षा हमन का करते हैं कि आजकल स्प्रिंकलर सिस्टम जिनमें गवर्नमेंट के द्वारा अभी 60% अनुदान में सीमांत किसान मन ला दे जाते, और बड़े कृषक मन ला 40% अनुदान में दे जाते, स्प्रिंकलर के माध्यम से हमन जिन चिड़िया होते ओखर माध्यम से सिंचाई करथन, तो पूरा खेत में एक बराबर पानी मिलते। एक बराबर पानी मिले के संग में का होते कि जब हमन ऊपरी से स्प्रिंकलर से सिंचाई करथन तो ओखर पत्ता मन धोवा जाते, जिन आपके चना है चना के पत्ता मन धोवाते, पत्ता धोवाए से क्या होते कि जिन फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो बहुत तेजी से होते और भोजन बहुत बढ़िया बनते। जब पेड़ पर भोजन अच्छा बनी तो स्वाभाविक से बात है कि हमरो भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छा से हुई, चना के उत्पादन बहुत अच्छा आई, तो ये तरीका से पेड़ पुष्ट होते और कम पानी में अधिक उत्पादन के हमन तैयारी कर लेते। तो ये कहान कि पानी के भी बचत स्प्रिंकलर के माध्यम से किसान मन कर सकते। मन में एक ठो बात आवत है भी, स्प्रिंकलर जो किसान जगह हो है ते कर ही, मान लो छोटे किसान करत है तो वो तो पहाटा पानी पलोना वही सुविधा अपना कोशिश करी, तो ओकर बर सुविधा कहाँ से मिली सीड ड्रिल से अगर बुआई करे है? सीड ड्रिल से जिसे बुआई करे है और जिन किसान के पास स्प्रिंकलर नहीं है तो हमारे यहाँ लपेटा पाइप के व्यवस्था है, काबर के पानी भी किसान ला तो घाटा दोनों ढार ले होना है। अगर रात दिन मोटर चला ही, रात दिन मोटर चला ही तो ओखर बिजली बिल तक तो आही, तो जिन बिजली बिल आही वो हर साल बिजली बिल दाए, ओखर लक्ष्य है कि एक साल वो पहटा पानी चलाए के बजाय लपेटा पाइप ले लाए, और जिन जिन तीर आवश्यकता है चक बना बना के ओखर का कहते हैं वो पानी ला पलोए, तो एकर से कम पानी भी लगी और ओखर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। तो आप मन हमारे से गुड बात करे, किसान मन ला बताए हो कि चना के खेती सीड ड्रिल से बो के कतेक फायदा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप ला, बेरा कुबेरा फिर आपसे गुड बात करो भैया, जय जोहार। संगवारी हो, अब हो गए गीत संगीत के बेरा, तो आओ एक सुघर अकन लोकगीत। हमार लोकगीत है कई तरह के, कर्मा ददरिया सुहा पंथी राउत नाचा, तो आओ आप मन ला हमें दिखाथन एक बढ़िया सन लोकगीत। मैया के मंदिर जाबो रे जाबो रे, मैया के दर्शन पाबो 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 रे, हे मैया के मंदिर जाबो रे जाबो रे, मैया के दर्शन पाबो रे, मैया के दर्शन पाबो रे, मैया के मंदिर में मैया बाना चढ़ाए, बाना चढ़ाए मैया बाना चढ़ाए, तोरे मंदिर में सिंबुआ चढ़ावा, सिंबुआ चढ़ावा मैया सिंबुआ चढ़ावा, संगवारी हो, अब जाए के बेरा हो गए, जाए के पहले हम आप मला अपन पता बता दें।
हमला चिट्ठी पत्र जरूर लिखे करो। चिट्ठी पत्री में आप मन के जो भी समस्या रही थे ओकर निदान यहाँ आते और विषय के विशेषज्ञ मन के द्वारा हम देथन। हमर पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर। पिन नंबर है 492007। तो जाए के बेरा जम्मू किसान भाई बहनी मनला राम राम।